तो बना हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं आपके इन दो घोड़ियों के बारे में, है ना? जी बिल्कुल। तो बना एक बार मेरे को बताओ कि दोनों घोड़ियाँ किस किस लाइन की, जैसे इस घोड़ी की बात करें तो किस लाइन की घोड़ी है ये? सर लाइन तो बोलने में मैं कोई भी बोल दूं, हाँ, लेकिन ये है अननोन लाइन की। अननोन लाइन की है? हाँ जी बिल्कुल अननोन लाइन की है। शायद ही किसी लाइन से वो डीएनए होने पे पता लगे, आपको पता नहीं, लेकिन मेरे लिए अननोन है ये। अच्छा, अननोन लाइन की है, 61 प्लस हाइट है इसकी। बाकी माथे पे फूल है? माथे पे फूल है और पीछे का एक पांव सफेद है। एक पैर सफेद? हाँ जी। तो ये भी घोड़ी आपने खरीदी हुई है? बाकी पीछे का एक पांव सफेद। ये भी घोड़ी खरीदी हुई है आपने? हाँ जी बिल्कुल, सारे जानवर अभी हमारे फार्म पे कोई शायद खासकर एक या दो बच्चे ब्रीड हुए होंगे, बाकी सारे खरीदे, बाकी सब खरीदे हुए। हाँ जी हाँ जी। तो क्या उम्र बताइए आपने इसकी? सर इसकी है 4 साल। 4 साल और हाइट में 61 प्लस? 61 प्लस आ जाएगी। 61 प्लस आ जाएगी। हाँ जी। भाई कुछ नाम रख रखा है? नाम सर कोई खास नाम नहीं है। अच्छा। लेकिन हम ऐसे जोहिली कोई भी नाम ले देते हैं। अच्छा अच्छा। और अगर इसकी बात करें तो? सर ये है, बता के तुमको जाखोड़ा की दी है, बाकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जाखोड़ा, पाथेड़ी, सेवड़िया मठ, नाम ले देने से ये तो वही वाली चीज है ना कि अगर कोई घोड़ी अगर कोई सी भी लाइन की नहीं तो वो मटकी है। मटकी है। अब वो मट खाए वो तो लाइन से लेके ढूंढे तो पता भी नहीं लगता। उसके आगे जो बेचते हैं हमको, जो हम जिससे खरीद के लाए उनके पास भी उससे आगे कोई रिप्लाई था नहीं, बस जाखोड़ा पे वो भी एंड हो गया था। तो आपकी तरफ से ये भी अननोन है। और वहाँ का ही एक अननोन लाइन का घोड़ा है, पचकल्याण 64 इंच, जालोर के पास में है बिल्कुल, और उससे कवर्ड है अभी 20 तारीख को, 10 महीने ही कंफर्म हो जाएगी। ओके। हाँ जी। बाकी एक पैर सफेद, दो पैर सफेद है? दो पैर सफेद और माथे पे फूल है और हल्का नाक पे भी टीके। ओके। एक मिनट भाई फेस दिखाना मेरी तरफ। ओके। भाई घोड़िया सीधी है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो बना सेल के हिसाब से है कि नहीं है? जी बिल्कुल सेल के हिसाब से, कोई अच्छी कीमत लगी तो सेल के लिए, वरना ब्रीडिंग के लिए तो है ही सही हमारे पास स्टेलियन है तो। ओके। तो अभी इनमें से दोनों में से कौन सी घोड़ी प्रेग्नेंट है? ये सर ये प्रेग्नेंट है, ये 10 महीने की। हाँ जी। इसकी क्या उम्र बताई थी आपने? इसकी एज अभी मान लो आप कुछ भी 6 साल समथिंग है। 6 साल। और कितने महीने की प्रेग्नेंट है ये? 10 महीने की। 10 महीने सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, पिछली बार इसने बच्ची दी थी। ओके। माथे पे फुल ब्लेज और पीछे के दो पांव अननोन घोड़े से, उसी घोड़े, पहले एक बच्ची दे चुकी है। हाँ जी उसी घोड़े से दे चुकी, उसी घोड़े से। हाँ जी। तो बना मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे कि आपके जैसे नए लोग इस लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल सर, और मैं हमेशा से ही फोकस मेरा रहता है कि नए लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा ना, बिल्कुल सर। वो इसलिए कि भाई नए लोग जो आ रहे हैं उन्हीं के साथ में ज्यादा धोखाधड़ी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मेरे सारे वीडियो में धोखाधड़ी की बात करता हूँ ना, तो आपको भी पता है कि होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल। पर ये कि मेरे बोलने से लोग सजग हो जाते कि, तो कुछ लोगों की क्या दुकानें बंद हो जाती है? अब जिनकी दुकानें बंद हो जाएगी वो तो मेरे को गाली देंगे ही देंगे ना। बिल्कुल सर, है ना। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो जैसे कि आपने अपनी शुरुआत करी, हाँ जी, तो किस तरीके से जो नए व्यक्ति आ रहे हैं आपके जैसे, जो यूथ बहुत सारे इस मार्केट में आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आपको क्या लगता है कि जैसे हो सकता है कि बहुत सी बार आपने बिजनेस करा है ना, हाँ शुरुआत करी, तो आपको लगा होगा कि यार मैं ऐसे नहीं ऐसे करता तो और अच्छा कर सकता था, हाँ जी। तो आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो जो नए लोगों को आप देना चाहो, या फिर नए लोगों को अपनी शुरुआत कैसे करनी चाहिए घोड़ा लाइन में, उसके बारे में जरा बताएं? सर बहुत जेन्युइन बात बताऊं मैं आपको, एक हर एक का नए का फोन आएगा तो वो सबसे पहले एक्सप्रेस करेगा बच्ची लेनी है। तो बच्ची मेरे हिसाब से गुड डिसीजन नहीं है, क्योंकि आप मारवाड़ी लाइन में अच्छी कंडीशन जो आपको देखने में पसंद आए वो जानवर लेने जाओगे, शायद वो 2 या 2.5 लाख रुपए समथिंग टच हो जाएगी। और आप इस कैटेगरी की कोई भी इससे छोटी इससे बड़ी घोड़ी लेने जाओगे तो वो भी डेढ़ दो टच होते मिल जाएगी आपको, शायद वो प्रेग्नेंट भी हो। और वाइज नेचर देखे अपन तो घोड़ी का नेचर भी थोड़ा सा स्मूथ हो तो नए आदमी के साथ वो कंफर्टेबल हो जाए। अभी बच्ची है, आपको पता नहीं बच्ची कब आगे के दो पांव चला देगी, कब पीछे के दो पांव चला देगी, तो आपके लिए भी नए, आप भी नए, तो फिर वो एक्सपीरियंस वाली कोई बात नहीं हुई। घोड़ी अगर आप लोगे तो आपको राइडिंग का भी शौक हो जाएगा उससे पूरा, ब्रीडिंग का भी शौक पूरा हो जाएगा, और आपके लिए नई कोई मतलब माथा फोड़ी वाली बात नहीं होगी घोड़ी में। बच्ची तो सर बच्ची के पास आपको मान लो आप 3.5 से 3 साल तो आपको उसको केयर करनी पड़ेगी राइडिंग से पहले, उसके बाद देखो आप तो एक सवार लाना पड़ेगा शायद 20 या 25 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी, इतने साल आप खिलाओगे वो कॉस्ट आ जाएगी, उसके बाद मान लो आपकी जो उम्मीद है उस पर नहीं खरी उतरी बच्ची तो आपका शौक खत्म होने लगेगा। घोड़ी लेके आओगे आप लाख के अंडर बजट की लेके आओ, राइडिंग का शौक पूरा हो रहा है, ब्रीडिंग का शौक पूरा हो रहा है, और आपके लिए भी वो जानवर नया नहीं है, अच्छी गुड नेचर घोड़ी लेके आओ आप, तो सारा काम ओके हो जाएगा आपका। तो शुरुआत में आपके कहने का मतलब है कि घोड़ी खरीदे और सस्ती ले, सस्ती खरीदे।
तो लाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए आपके हिसाब से, या आपके दिमाग में नहीं आया कि लाइन वाली घोड़ा घोड़ी यार मेरे को भी रखने चाहिए, वो ज्यादा महंगे बिकते हैं, करोड़ में बिक जाते हैं? सर लाइन पे घोड़ा नहीं बिकता, मेरा मानना है कंडीशन पे घोड़ा बिकता है। आज शायद मैं किसी ऐसे आदमी को दूं ये घोड़ी कि उसके पास जाके वो लाइन की कर दे इसको, शायद आपके वीडियो के बाद तो कोई इसी को इसको लाइन की नहीं कर सकता, क्योंकि आपके वीडियो सारे लोग देखते हैं, उससे इसकी जो नहीं उसके बाद में भी कर देते हैं, कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जो आदमी प्रचंड तरीके से झूठ बोलता है उसके उसके ऊपर हमारे वीडियो का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो हाँ फिर वो वही बात आ जाती है, शायद ही किसी के यहाँ जाके लाइन की हो जाए, लेकिन लाइन को देख के आप खरीदोगे तो शायद आपके साथ चीटिंग हो जाए। आप घोड़ी देख के खरीदो कि भाई जो धन खड़ा है उसके पैसे दे रहा हूँ मैं, लाइन वाइन से मेरा कोई मतलब नहीं है। लाइन की वैल्यू है सर, मान लो आप कोई नुकरे घोड़े से काली बच्ची लेके आ गए, उससे ब्रीडिंग करी और क्या पता उसने चंपा बच्चा दे दिया। लाइन का मतलब ये होता है कि पुराने जो घोड़ा घोड़ी इससे रिलेटेड है वो सारे मारवाड़ी थे, काले थे, कुम्मेद थे, ब्लेस था, टीका था, वो पता लग जाए आपको। लाइन जरूरी है, लेकिन जो अननोन है आप पहले घोड़ी देख के लो लाइन है या नहीं है, या तो आपको कंफर्म हो कि हाँ ये डेफिनेटली उसकी है तो आप उसका लेवल का पैसा दो उसको। बिल्कुल। अगर आपको नहीं कंफर्म हो रहा तो आप लाइन को हटा ही दो दिमाग से और आप केवल घोड़ी पे फोकस करके घोड़ी के पैसे दो। तो अब मेरे को एक चीज बताओ बना, जैसे कि देखो हर आदमी का एक फोकस रहता है कि अगर कोई भी घोड़ा घोड़ी ले रहा है ना, लोग कहते हैं कि मैं शौक से ले रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि 2% लोग शौक से लेते हैं, बाकी 95-98% लोग बिजनेस के हिसाब से लेते हैं। पर ये कि वो अपनी भावनाएं बोल नहीं पाते, पर उनकी भावनाएं हम तो समझ जाते हैं कि ये कौन सा शौक पूरा करेगा। उम्मीद तो सबको सर यही रहती है कि महंगा जानवर बिके। हाँ, बाकी आज की डेट में क्या हो गया है, आज मेरे से पूछते हैं आप, मैं बोलता अरे नहीं सर ये तो मैं शौक से ली है। तो शौक से तो एक लिया जाता है, दो लिया जाता है, 12 थोड़ी लिए जाते हैं शौक से। बिल्कुल। और मेरा फुल टाइम बिजनेस है शायद ये, तो मैं कैसे इसको शौक से ले लूंगा, मैं बाद में करूंगा क्या? शौक के चक्कर में पता लगे किडनी बेचनी पड़ रही है, बेचनी पड़ गई। अभी नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको एक घोड़ी दो घोड़ी का शौक नहीं हो रहा है, फार्म का शौक लग रहा है डायरेक्ट कि भाई अपने को फार्म करना है, फार्म खोलना है। वो आप मेरे को अब एक चीज ये बताओ, हाँ जी, जो स्पष्ट हो वो बिल्कुल क्लियर बताना है ना। हाँ जी, क्योंकि देखो आपकी बात जो यूथ लोग है ना उनके, देखो आपने अगर सच बोला तो उनके दिमाग में सच जाएगा, और अगर आपने झूठ बोला तो उनके दिमाग में झूठ जाएगा। बिल्कुल। आप मेरे को ये हकीकत बताना, इस लाइन में पैसा है या देखो पैसा तो है, बिल्कुल, जो लोग कमा रहे वो कमा रहे, पर जैसे कि जो आदमी नई शुरुआत करता है वो कैसे पैसा कमाए इस लाइन में आने के बाद? सर अगर उसको नॉलेज ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग डेफिनेटली, ट्रेडिंग पे तो पैसा है ही है। बिल्कुल। ठीक है सर। और अगर नया आदमी जुड़ रहा है तो वो ब्रीडिंग से पैसा आंखें बंद करके कमा सकता है। आपकी घोड़ी के हिसाब से आप अच्छा घोड़ा सेलेक्ट करो, बच्चा आएगा तो बच्चा तो आप अपनी कीमत पे बेच सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। आप अगर ट्रेडिंग, नया आदमी घुस के ट्रेडिंग करने लग जाएगा, क्या पता घोड़ी वो खरीदी महंगी ले, उसके बाद कैसे उसमें व्यापार कर लेगा, कैसे पैसा बना लेगा? आप ब्रीडिंग करोगे तो डेफिनेटली पैसा आना ही है। तो मान लो एक घोड़ी की कॉस्ट आ रही है आपको 40-45 हज़ार रुपए पर साल की उसकी केयर की, तो बच्चा उससे अगर कुछ भी छोड़ता है तो आपका प्रॉफिट ही है। अभी मैं मान लो मैं कह दूँ किसी को, अरे आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, मान लो ट्रेडिंग का मैंने किसी को सजेशन दिया, उसने 1,60,000 की घोड़ी लाख में खरीद ली, तो क्या पता उसको 3 महीने माथापच्ची करने के बाद 80 की बेचनी पड़े, शायद 50 की बेचनी पड़े, 60 की घोड़ी। तो ट्रेडिंग का तो कोई मैं खुद नहीं कह सकता कि भाई किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाई आप पैसा कमा सकते हो, बाकी ब्रीडिंग में तो डेफिनेटली पैसा कमा सकते कमा हाँ। पर ये कमाओ भी तो धीरे धीरे, एक एक सीढ़ी चढ़ो। बहुत पेशेंस लगता है सर, साल भर की मेहनत लगती है तब जाके कहीं बच्चा आता है। और घोड़ों में तो मोर्टिलिटी रेट भी इतनी है कि मेरे फार्म में खुद मोर्टिलिटी हो गई मेरे को इतने से टाइम में दो। अच्छा। हाँ जी, दो जानवर मेरे को खोने पड़े, एक कोल्ट और एक फिली। किस वजह से? सर शायद क्लाइमेट भी और कुछ हमारा एक्सपीरियंस, कुछ सही गाइडेंस नहीं मिला। तो अभी कभी फंस जाते हो कभी, जैसे किस बात पे घोड़े की पे, तो किससे सलाह लेते हो? बहुत सर, बहुत सजेशन वाले हैं हमारे साथ, अच्छे लोग जुड़ चुके हैं अब तो, शुरुआत में नहीं थे लेकिन अब तो बहुत अच्छे सजेशन वाले लोग हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, जुड़ चुके हैं। हाँ जी, यानी सही सलाह दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो घोड़ा लाइन में सही सलाह देने वाले लोग भी बहुत कम है, बहुत कम। वो सही सलाह जब ही देते हैं जब उनसे तुम घोड़े लोगे, घोड़े लोगे तो वो ज्यादा जेन्युइन घोड़े लेंगे, फिर तो तुम्हारे घर पे आके भी सलाह देंगे। घोड़े नहीं लोगे अगर तुमने कह दिया घोड़े नहीं लेने भाई, बिल्कुल, फिर तुम्हारे को सलाह नहीं देंगे, फिर तुम्हारे घोड़े में खाली कमी निकालने के अलावा कुछ काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। जैसे कि मैंने मान लो किसी को बोला घोड़ी खरीदनी मेरे को, और मैं उसकी घोड़ी देख के आया और मैं और कहीं से घोड़ी ले ली, तो वो तो बिल्कुल हमारी जानी दुश्मनी हो गई उससे कि भाई घोड़ी क्यों नहीं ली मेरे से तूने, ऐसा होता है यहाँ जाके उसमें तो तुम्हारा वो मान के चलो पीछे से दुश्मन हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरों को वो यही बोलेगा यार वो घोड़ी लेके आया ना, उसके तो गांव में नीचे, गांव में नीचे उसके तो मैं तो 70 लगा के आया था, वो 1,00,000 की लेके 1,50,000 की बता रहे हैं। ये सारी कैसेट जो उलझती है वो वही यहीं से उलझती है कि जानवर हमसे नहीं, या तो किसी से पूछो मत। बिल्कुल। और अगर पूछ रहे हो उस ब्रीडर से तो उससे घोड़ी लेके आओ, बिल्कुल, वरना वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। बिल्कुल सर। अभी क्या है, कंडीशन ये हो गई है मार्केट में कि लोग भरोसा ज्यादा करते हैं, खुद का नॉलेज लेने से पहले भरोसा कर लेंगे
मैंने देखा है कि छः फार्म खोलते हैं, फार्म बनाए एक महीने में पूरा फार्म भर देंगे 12-13 जानवरों से। तो मैं कहता हूँ इतनी जल्दी खरीद तो मैं इतने अच्छे जानवर बेच रहा हूँ फिर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो नए लोगों ने किस अमाउंट पे वो घोड़े 12-13 खरीद के भी क्या कर लोगे, बेचने का भी तो कला आना चाहिए, कला आनी चाहिए। उसके बाद आपको मान लो आज मैंने घोड़ियां है, मान लो आज लाइन की बता दियो, कल को ये घोड़ी जिससे मैंने ली है वो मेरे को वापस वही उस मेरे कस्टमर को बोल दे अरे ये तो अननोन गई थी हमारे यहाँ से, तो मेरा सारा मोरल जो है मैं चाहे लाख बातें कर दूं उसके सामने लाइन की वो वहाँ डाउन हो जाएगा, वो कस्टमर तो कटेगा ही कटेगा, चार और को काटेगा वो। जेन्युइन बात मैं जो नए लोग हैं उनको एक चीज और बता दूं ये मेरी तरफ से ऐड करके, बाकी आप मेरी बात से एग्री हो तो बताना। जी जी, आज के टाइम में जितना घोड़े वालों से सतर्क रहने की जरूरत है ना, कुछ लोग घोड़ा लाइन में आज भी ऐसे हैं जो कम अमाउंट लेके बहुत अच्छा घोड़ा घोड़ी लोगों को दिलाते हैं, जो ट्रस्ट करने लायक है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक का दस में बेचते हैं, जो नए लोगों को काटने का काम करते हैं। और तीसरा उस कैटेगरी में आ गए आजकल यूट्यूबर। आजकल लोग नए लोग सोचते हैं कि यार ये यूट्यूबर है ये हर फार्म पे जाता है, इसको घोड़ा घोड़ी के बारे में पता नहीं होगा, पता होगा जी ना? जी, इसको अच्छा घोड़ा घोड़ी के बारे में पता होगा। प्रदीप जी ऐसा होता है जैसे कि यूट्यूबर पे लोग क्यों विश्वास करते हैं कि डेली कैमरा फेस कर रहा है आदमी, झूठ नहीं बोलेगा। आज हम प्रधानमंत्री को ऑप्शन के लिए ले तो अपन क्या फेथ करेंगे, यार प्रधानमंत्री साहब बोल रहे डेली कैमरा फेस करते, इतना बड़ा कंट्री उनको संभालने के लिए उनके हाथ में जिम्मेदारी, तो वो आदमी तो क्या झूठ बोलेगा। तो उस चक्कर में आके लोग यूट्यूबर हो गए, डेली जो बड़े फार्म वाले कैमरा फेस कर रहे हैं उनके हो गए, उन पर अंधा भरोसा करेंगे। बाकी मैं जो नए लोग हैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे अगर आपने यूट्यूबर को गलती से फोन कर दिया और वो अगर आपको कहता है कि भाई मैं आपको घोड़ा घोड़ी दिला दूंगा, तो समझ लो कि आपका बकरा कट गया। बिल्कुल, सीधा सा इशारा है ना। हमसे तो भी बहुत सारे यूट्यूबर का कॉल आते हैं कि भाई ये घोड़ी आप मेरे को कितने की दोगे, तो वो बात हमको वही समझ आ जाती है आगे से मेरा बाप लग रहा है बोले। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो प्रॉफिट हम निकाल के सेल करेंगे, बोले तेरे को कितने की देंगे, तू बोले खाई का प्रधानमंत्री है कोई, जो लोगों को दूंगा वही तेरे को रेट में दूंगा। सही है सही है। तो बाकी के जो नए लोग हैं वो यूट्यूबरों से भी सावधान रहें, अगर आपको घोड़ा घोड़ी खरीदना है तो खुद जाके देखें और तब लें। और किसी यूट्यूबर से आप घोड़ा घोड़ी खरीद रहे हैं तो ये मान के चलो कि अपना बकरा खुद कटवाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो इसलिए सावधान रहें, क्योंकि आजकल जितना घोड़ा बाजार के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है यूट्यूबरों से सावधान रहने की, है ना। कुछ लोगों ने तो पेज ही इसलिए बना रखा है कि भाई लोगों को व्यापार हो जाए, ठग सके, है ना। तो ऐसे ठगने वाले लोगों से ज्यादा सावधान रहे, मेरा काम है सिर्फ बताने का। अब जिसके भविष्य में लिखा है कि भाई तेरी की किडनी बिचनी है तो उसकी तो बिकनी है, मैं क्या मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। सही है सही है ना। बाकी ये दोनों घोड़ी आपके सेल के लिए है। हाँ, डेफिनेटली। तो कोई भी भाई अगर कांटेक्ट करना चाहे या लेना चाहे तो मैं भाई का नंबर नीचे दे दूंगा, तो वो लोग वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू राजमना इतनी जानकारी देने। ऑलवेज वेलकम सर।